नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए जो 75 दिन का क्रैश कोर्स हम चला रहे हैं, उसका ये मेरा छठा लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो है, इनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, इसलिए ये जो टॉपिक है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बड़े विस्तार से समझा था कि अनुच्छेद 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो किस प्रकार से है, उसमें किस तरह के जो है प्रकार बताए गए हैं बहुमत के। तो हमने देखा कि साधारण बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत द्वारा होता है, विशेष बहुमत प्लस राज्यों के अनुसमर्थन से होता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि संविधान संशोधन की वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है, और उसके बाद हमने मूल ढांचा सिद्धांतों को समझा था। तो अभी तक अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जा करके इसे देख सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण था, बहुत मेहनत करके मैंने इसे बनाया था, आप लोगों का कम प्यार इसे प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस लेक्चर में अब हम सीधे आ जाएंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर और इनको जो है हम देखना शुरू करेंगे। तो 1 से लेकर के 104 तक हमको देखना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास क्रम में एक अपना अहम हिस्सा निभाया है, उन्हीं को हम देख रहे हैं, वही हमें देखना है। तो पहला संविधान संशोधन हो गया 1951 में ही, ठीक है, 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हुआ। तो इधर हमने संविधान संशोधन अधिनियम का नंबर लिखा है, किस वर्ष वो हुआ उसे लिखा है, और इधर विवरण लिखा है कि इसमें क्या किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, तो संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। संविधान में क्या कर दिया गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। इस सूची में शामिल किसी भी विषय का न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, यह कर दिया गया। पिछले लेक्चर में भी हमने इस पे बात की थी, जैसा कि अगर आपको याद हो तो। और क्या किया गया, तो अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 376 को संशोधित किया गया, ठीक है। तो मैं बताते चल रहा हूं, आप भी मेरे साथ कमेंट करिए और जो है बताइए कि इन सब आर्टिकल्स में क्या क्या जो है लिखा गया है, ठीक है। तो 15 में जैसा कि हम जानते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, नस्ल आदि आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। और 19 में क्या लिखा गया है, तो 19 में लिखा गया है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 85 बात करता है, ये 85 बात करता है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में। 87 बात करता है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में। उसी तरीके से अगर हम राज्यों में आ जाएं, यानी 174 की बात करें, तो 174 में लिखा हुआ है राज्य के विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन। और उसके बाद अगर हम बात करें 176 की, तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राज्यों में हम राज्यपाल की बात करेंगे, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176। और 341 में अनुसूचित जाति और 342 में अनुसूचित जनजाति और 376 में उच्च न्यायालय। तो इतने प्रावधान क्या हुए, संशोधित किए गए, ठीक है। आप देखिए कि संविधान तुरंत लागू हुआ है और तुरंत इतने जो है जो अनुच्छेद है उन्हें अमेंड कर दिया गया, ठीक है। इसके साथ क्या किया गया, इसके साथ ही 31A व 31B को जोड़ा गया। तो ये दो नए आर्टिकल्स जोड़े गए संविधान में। क्यों जोड़े गए, इसके पीछे की क्या कहानी है, उसको जो है हमें समझने की जरूरत है। तो देखिए, जैसे ही भारत आजाद हुआ, जमींदारी उन्मूलन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ,
लेकिन जमींदारी उन्मूलन के कार्यक्रम में जो दिक्कतें आनी शुरू हुई वो थी संपत्ति के अधिकार से, क्योंकि आर्टिकल 31 में ये जो है मौलिक अधिकार बनाया गया था कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इसलिए ये दिक्कत आने लगी और भारत में बड़े तेजी से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। जब हम इकोनॉमी में जो एक चैप्टर है पूरा भारत में भूमि सुधार उसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत में भूमि सुधार ठीक प्रकार से इसलिए नहीं लागू हो पाया क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार जो है बीच बीच में उसमें आता था और न्यायालयी प्रक्रिया में ये पूरा मामला घसीट जाता था। तो इसमें यह किया गया कि जमींदारी उन्मूलन, इनमें 31 ए और 31 बी में लिखा गया कि जमींदारी उन्मूलन, और ये 9वीं अनुसूची में, ठीक है, बताया ना कि 9वीं अनुसूची में कोई विषय डाल करके न्यायिक समीक्षा से उसे बचा लिया जाता था। तो इसमें यह लिखा गया कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार आदि के पक्ष में बनाए गए किसी कानून को अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये पहला संविधान संशोधन, मुझे उम्मीद है आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां 1956, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर श्रेणी ए बी सी डी के राज्यों की व्यवस्था कर दी गई। तो जब भारत आजाद हुआ तो भारत में चार प्रकार के राज्य बनाए गए, ए बी सी डी। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे वो तो ए में आ गए, उसके बाद फिर कुछ रजवाड़े बड़े बड़े थे वो बी में आए, जो कमिश्नर्स के प्रांत थे वो आए, उसके बाद सी में छोटे छोटे रजवाड़े आए और डी में केवल अंडमान और निकोबार था। तो इस प्रकार से राज्य था, ऐसे नहीं था कि इतने स्टेट और इतनी यूटी जैसे आज है। ये व्यवस्था 1956 के बाद आई है जब ए बी सी डी श्रेणी के राज्यों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21वां संविधान संशोधन 1967, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण है हम केवल उसी को पढ़ेंगे। तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, इसमें क्या किया गया, तो सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया और इस प्रकार से 1967 तक ये कुल 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाएं 15 हो गई और अभी वर्तमान में 22 है। आगे बढ़ते हैं, 24वां संविधान संशोधन 1971, ये क्या मामला था, तो ये गोलकनाथ मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ और इसके अनुसार ये कहा गया कि संविधान के किसी भी भाग को संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। तो जो डिसीजन आया था उसे पलटने के लिए इसको जो है किया गया और इसी 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे प्रश्न पूछा था, आर्टिकल 368 को भी अमेंड किया गया, ठीक है। और ये पूरा किस प्रकार से न्यायपालिका बनाम जो है विधायिका का विवाद था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, वो जो है हम पॉलिटी जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं पहला लेक्चर, तो उसमें हम इसकी बात करते हैं। आगे क्या हुआ, 26वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, इसमें किया गया कि देशी रियासतों के शासकों की जो विशेष उपाधियां दी गई थी और उनको जो प्रीवी पर्स दिया गया था उसे समाप्त कर दिया गया। तो देखिए पिछले लेक्चर में भी हमने बात किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे 1935 के अधिनियम में, बड़े डिटेल में मैंने आपको बताया था कि भारत दो प्रकार से शासन भारत में चल रहा था, एक तो प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में और दूसरा अप्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में। तो एक तरफ तो जिलों में कलेक्टर्स बैठते थे जो ब्रिटिश भारत था उसमें, और 565 देसी रियासत थी, राजसी रियासतें थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ये जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की अथक मेहनत से भारत संघ में जोड़ा गया, ठीक है। तो इन लोगों को जब भारत संघ में जोड़ा गया तो चूंकि ये स्टेट्स अपना जो है कुर्बान कर रहे थे आने के लिए, हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अभी भी नेट पर है आप जाकर के पढ़ सकते हैं,
उसमें जो है केवल 3 सब्जेक्ट्स इनसे मांगा गया था, कम्युनिकेशन, डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर। और यही 3 सब्जेक्ट्स जो देसी रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्होंने ब्रिटेन को सौंपे थे। तो सब्सिडरी अलायंस के माध्यम से यही 3 सब्जेक्ट उन्होंने दिया था और यही 3 सब्जेक्ट भारत सरकार ने उनसे मांगा था। लेकिन इतनी तेजी से सारा मामला हुआ कि अंततः भारत के वो हिस्सा हो गए और पूरी प्रक्रिया ही समाप्त हो गई। नहीं तो ये था कि उनका जो अस्तित्व है वो बना ही रहेगा, ठीक है, तो वो अलग बात हो गई। तो इन्होंने जब अपने अधिकार दिए तो इनको ये कहा गया कि ये जो अधिकार आप छोड़ रहे हैं उसके बदले जो है भारत सरकार आपका ख्याल रखेगी। तो क्या करेगी, पहले तो प्रीवी पर्स देगी, यानी एक निश्चित रकम आपको हर महीने मिलेगी आपके खर्च के लिए। और दूसरा जो है कई प्रकार की सुविधाएं मिलेगी, जैसे सैलून्स दिए जाते थे रेलवे में राजाओं को, के एक एक दो दो सैलून बने होते थे। जो भी रेलगाड़ी स्टेशन पर है, राजा साहब को जाना है कहीं, तो फ़ोन कर दिया, उस रेलगाड़ी में वो डब्बा लगा दिया जाता था, सैलून लगा दे, ऐसे तमाम चीज़ें थी। और वो अपना अपनी उपाधियां रखते थे, राजा महाराजा ऐसे जो टाइटल होल्ड करते थे वो सब करते थे। इन सबको इंदिरा गांधी सरकार ने समाप्त कर दिया। हालांकि उस समय मुरारजी देसाई थे, जो कि बाद में जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री भी बने भारत का, उन्होंने बहुत विरोध किया था इस बात का कि ये जो है वादा किया था भारत सरकार ने राजाओं के साथ, और ऐसे समय में जब राजा कुछ नहीं कर सकते उनका ये अधिकार नहीं छीना जा सकता। हालांकि एक आम नागरिक के रूप में हम लोगों को ये लगता होगा कि ये तो हमारे पक्ष में ही हुआ कि राजाओं के विशेषाधिकार छीन लिए गए, लेकिन एक दूसरी बात ये भी लगती है कि एक स्टेट के रूप में, ये कोई इंडिविजुअल की बात नहीं थी, एक संप्रभु, एक सोवरेन नेशन ने उनसे जो है एक प्रॉमिस किया था, और वो प्रॉमिस करने के 21 साल के बाद ही तोड़ दिया गया। जबकि ब्रिटेन में प्रॉमिस किया गया है 400 वर्ष से राजा से, वहाँ के संप्रभु से, आज भी उनके नाम से ही काम हो रहा है और अभी भी पेंशन मिल रही है रानी को, और आप देखते हैं सारी प्रक्रियाएँ कैसे हैं। ऐसे ही यूरोप में कई देशों में राजा रानी अभी भी बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या किया गया, अनुच्छेद 291 और अनुच्छेद 362 का विलोपन किया गया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये जो प्रक्रिया हुई ये ठीक रही। ये दोनों पक्षों से सोचिएगा, राजाओं के भी पक्ष से सोचिएगा और हम लोग आम नागरिक हैं इसके भी पक्ष से सोचिएगा, और इस पक्ष से भी सोचिएगा कि जब आपको कोई वादा करना है तो आप सारी चीज़ों को सोच करके ही वादा करेंगे ना। तो आपने वादा किया था और उसके बाद उसे समाप्त कर दिया ऐसी परिस्थिति में, जबकि आपके पास कोई अधिकारी था, राजाओं के पास कोई ताकत नहीं थी, ठीक है। तो ये 291 बात करता था राजाओं के विशेषाधिकार की, ठीक है, और 362 बात करता था प्रीवी पर्स की। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ देखिए, ये बातें भारत के संविधान में लिखी गई थी, ठीक है, कि मतलब राजाओं को प्रीवी पर्स दिया जाएगा, उन्हें विशेषाधिकार दिया जाएगा, इसके लिए आर्टिकल्स थे, इन आर्टिकल्स को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 26वां संविधान संशोधन 1971। अब बात करते हैं 31वें संविधान संशोधन 1973 की, इसमें क्या किया गया, तो लोकसभा की कुल जो सीटें थी वो पहले 525 थी, उन्हें बढ़ा करके अब कर दिया गया 545। तो इसमें जो राज्य से सीटें बढ़ी वो 500 से 525 हो गई, यानी 25 का इजाफा हुआ, और केंद्र शासित प्रदेशों से 25 की जगह 20 सीटें कर दी गई, यानी 20 का जो है घटाव कर दिया गया। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीटें अलाट है लोकसभा में उसे 25 से 20 किया गया, और जो राज्यों के लिए अलाट है लोकसभा में उसे 500 से 525 कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में भी यही स्थिति है, इसमें आप समझ रहे होंगे कि दो एंग्लो इंडियन शामिल हैं। उसके बाद 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायपालिका के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, थोड़ी सी ये कहानी भी आप समझ लीजिए। तो राज नारायण जनता पार्टी के वो जो है चुनाव लड़े थे, सोशलिस्ट नेता, वो चुनाव लड़े थे इंदिरा गांधी के खिलाफ फूलपुर संसदीय सीट से, और इस चुनाव में राज नारायण चुनाव हार गए। तो राज नारायण जब चुनाव हार गए तो इन्होंने भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था आदि का आरोप लगा करके एक मुकदमा दायर किया
और वो मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। तो राजनारायण का ये आरोप था कि सरकारी मशीनरी का, चूंकि ये प्रधानमंत्री रहे भारत का, तो सरकारी मशीनरी का इन्होंने दोहन किया है, सरकारी संसाधनों का दोहन किया है, लोगों को पैसा बांटा है और इस प्रकार से इन्होंने वोट को खरीदा है, ठीक है, ये आरोप लगाया और इसलिए इनका निर्वाचन रद्द होना चाहिए। राजनारायण ने ये बात कही। जब राजनारायण ने ये बात कही तो अब इस पर जो है सारा सुनवाई होने लगी और अंततः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजनारायण के आरोपों को कतिपय सीमाओं तक मानते हुए ये डिसीजन दिया कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है, जो वो फूलपुर से लोकसभा में पहुंची हैं, ये जो है रद्द कर दिया जाता है। तो वो एमपी के रूप में उनका निर्वाचन रद्द हो गया और कहीं ना कहीं नैतिक दबाव ये हो गया कि वो प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें, तो ये एक खतरा उनके ऊपर आ गया था। तो उसी के बाद उन्होंने जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित ये प्रावधान किया कि इनका जो निर्वाचन है इसके विवादों का न्यायपालिका के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, इसे जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है न्यायपालिका, ठीक है, ये कर दिया गया। एक बार चुने जाने के बाद इनके चुनाव को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती 60 में। तो ये प्रक्रिया जो है इंदिरा गांधी के दौरान की गई। इंदिरा गांधी बनाम भारत की न्यायपालिका, ये पूरा का पूरा जो है एक मामला है, एक घंटे का समय लेकर के इसे पढ़ने और समझने का मामला है। असल में जो भारत में विधायिका बनाम न्यायपालिका की लड़ाई है वो सच में इंदिरा बनाम न्यायपालिका की लड़ाई है, ठीक है। बड़ा रोचक रहा वो काल इंदिरा गांधी का। अब आ गया 42वां संविधान संशोधन 1976। आपको पता है कि देश में इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है, आपातकाल लगा हुआ है। तो ये जो संशोधन रहा ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों का मूर्त रूप था, ठीक है, और इसे लघु संविधान भी कहा गया। तो इतना बड़ा संविधान संशोधन भारत के संविधान में कभी नहीं हुआ, ठीक है। क्या क्या इसमें किया गया, तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जो मुख्य है उसे हमने उठाया है और जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले तो ये किया गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें 3 नए शब्दों को जोड़ दिया गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता। तो ये 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। तो अभी जो उद्देशिका है ये अमेंड हुई है 1976 में, तो मूल संविधान की उद्देशिका में ये 3 शब्द नहीं थे। और क्या किया गया, तो कहा गया कि DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो मौलिक अधिकारों पर वो सर्वोच्च हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार को बहुत बड़ा विषय मत बनाइए, DPSP बड़ा विषय है। आगे का क्या किया गया, तो 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। केवल मौलिक अधिकारों की ही बात नहीं होगी, मौलिक कर्तव्य भी होते हैं नागरिकों को के, और नागरिकों को ये जानना चाहिए, तो वो किया गया। इसके अलावा क्या किया गया कि संसद को सर्वोच्च घोषित किया गया। क्या किया गया, संसद को सर्वोच्च घोषित किया गया। भारत में क्या है, नियंत्रण और संतुलन का ढांचा है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है, ये इनके में नियंत्रण और संतुलन का ढांचा होना चाहिए, कोई किसी के ऊपर सर्वोच्च नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां इन्होंने कह दिया कि संसद सर्वोच्च है और वो कोई भी संशोधन संविधान में करती है तो न्यायिक समीक्षा से उसे मुक्त रखा जाए, ठीक है, न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, संसद ही सर्वोच्च होती है। उनका तर्क रहा होगा कि जनता चुन करके भेज रही है, तो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये किसी एग्जाम के द्वारा जो है आए हुए लोग नहीं हैं, तो इसलिए जो है संसद सर्वोच्च है। और जो कार्यपालिका का स्ट्रक्चर है भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, वो विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है, तो ये सारे तर्क रहे होंगे। इसके अलावा क्या किया गया, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करके वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो पहले तो ये हम जान लें कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो 3 सूचियों में परिवर्तन है ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है भारत के संविधान में संशोधन की। इसमें क्या बताया गया कि आपको विशेष बहुमत तो चाहिए ही, उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 बहुमत तो चाहिए ही। इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा ये चाहिए कि आप आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी अनुसमर्थन लेंगे तब जो है ये प्रक्रिया होगी। तो ये बहुत मुश्किल संशोधन की प्रक्रिया है, तो इसमें भी संशोधन कर दिया गया। और
वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो एक प्रकार से पूरा जो संविधान का जो मूल भावना संविधान की रही उसे पूरी तरीके से बदलने का प्रयास किया गया और देश में आपातकाल लागू हुआ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 आ गया। अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि इंदिरा गांधी आपातकाल लगाने के बाद और लोकप्रिय देश में हो गई हैं, ठीक है। इससे पहले प्रीवी पर्स उन्होंने समाप्त किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया आदि आदि ने उन्हें जो है, और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम युद्ध में 90,000 पाकिस्तानी जो सिपाही थे उनका सरेंडर कराया गया, तो वो दुर्गा के रूप में देश में आ गई थी, देश में उनकी काफ़ी लोकप्रियता थी और इसी लोकप्रियता के दम पर वो इतना बड़े बड़े काम कर रही थी, आपातकाल तक लगाने का उन्होंने डिसीजन ले लिया था। तो अब इमरजेंसी के बाद उनकी लोकप्रियता भारत में एकदम गिर चुकी है और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, आ गई राशन, पी गई तेल और ये देखो इंदिरा का खेल। तो ऐसे करके जनता ने इंदिरा गांधी को उखाड़ करके फेंक दिया। इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई राजनारायण से, लोकसभा का चुनाव अपना, और पूरे हिंदी पट्टी में एकदम साफ हो गई कांग्रेस, पूरे के पूरे हिंदी पट्टी में। वो तो दक्षिणी राज्यों ने इंदिरा गांधी को जो है सहारा दिया तो कांग्रेस कुछ सीटें लेकर के आई, हिंदी पट्टी से वो गायब हो गई। तो कौन सी पार्टी आ गई है, कई पार्टियों का गठबंधन अब सरकार चला रहा है, जिसे जनता पार्टी के नाम से जानते थे और मुरारजी देसाई जो कि कांग्रेस में कई बार प्रधानमंत्री बनना चाहे और वो जो है लाल बहादुर शास्त्री के समय से ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो वो अंततः अब जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो 43वां संविधान संशोधन लाया गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए उन प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करते थे। अब यहाँ एक चीज और हुई, जनता पार्टी अपार बहुमत लेकर के तो सरकार में आ गई लेकिन राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं था, जनता को तो वोट दिया, जनता ने वोट देकर लोकसभा में उसे भेज दिया, राज्यसभा में बहुमत नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं महत्वपूर्ण प्रावधानों में आप ज्वाइंट सिटिंग नहीं कर सकते, यानी राज्यसभा और लोकसभा का एक सेशन नहीं बुला करके वोटिंग करा सकते हैं, तो कोई भी लोकसभा से बिल पारित होना चाहिए फिर राज्यसभा से होना चाहिए, तो ये दोनों का मामला है। तो ऐसे में राज्यसभा में कमजोर रही जनता पार्टी और इसलिए इसमें बहुत कुछ नहीं हो पाया 43वें संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में। ये तो बदलना सब चाहते थे लेकिन अंततः 44वां संविधान संशोधन 1978 आया और इसमें जो है अब इन्होंने किया, अब थोड़ा बातचीत हो गई है, निगोसिएशन हो गया है कि हमारा बिल पास होने दो कांग्रेसी जो सांसद थे उनसे जो राज्यसभा में बैठे थे। तो इसमें किया गया कि राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा का आधार है ये आंतरिक अशांति, मूल संविधान जो हमारा है उसमें लिखा गया था कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार होगा आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टरबेंस, तो इसको बदल दिया गया। अब क्या कहा गया, कहा गया कि सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन अगर है तभी जो है इसकी घोषणा होगी और वो भी आगे क्या कहा गया कि कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो इंदिरा गांधी के बारे में तो ये कहा जाता है कि उन्होंने फोन करके आपातकाल लगवा दिया देश में, ठीक है, कि राष्ट्रपति महोदय आपातकाल की घोषणा करिए, कैबिनेट वगैरह का तो कोई मामला ही नहीं था, ठीक है। तो अब यह कहा गया कि नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री समूह जो है उसके सिफारिश पर और वो भी सिफारिश लिखित रूप में होनी चाहिए तभी जो है राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा क्या किया गया कि 42वें संविधान संशोधन से पहले की यथास्थिति बहाल कर दी गई। तो इसे एक लाइन में अगर हमें समझना हो तो हमें यह समझना है कि बहुत सारे प्रावधान जो 42वें संविधान संशोधन में बनाए गए थे वो सब बदल दिए गए, तो 42वें संविधान संशोधन से पहले की जो यथास्थिति थी उसे बना दिया गया। और क्या किया गया, अनुच्छेद 19 एक च और अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार से हटाकर 300 क के माध्यम से एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी कर दिया गया कि अब ये कानूनी अधिकार हो गए जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, 52वां संविधान संशोधन 1985, तो दल बदल निरोधक कानून लाया गया और आया राम गया राम की जो प्रक्रिया भारत में शुरू हो गई थी उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में क्या किया गया, तो मतदान करने की जो आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, यानी 1988 से पूर्व, अब क्या कर दिया गया कि इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, राजीव गांधी का मामला। अगला 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें क्या किया गया कि ये जो संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके लिए एक विधानसभा और एक मंत्री पद का मंत्री परिषद का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट, इसमें क्या किया गया तो संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज से जुड़े प्रावधानों को सम्मिलित किया गया और कुल सब्जेक्ट्स इसमें कितने बताए गए हैं, 29 विषय इसमें बताए गए हैं। पंचायती राज जो है यूपी पीसीएस में बहुत फेवरेट है, इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या हुआ, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें नगर पालिका नगर निगम और नगर परिषदों से जुड़े प्रावधान किए गए और इसमें कुल विषय हैं 18। अब आगे बढ़ते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, इसमें क्या किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 338 क को जोड़ा गया जिसके तहत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। तो देखिए मूल संविधान में यह लिखा था कि राष्ट्रपति जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक जो है अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं, बाद में क्या किया गया कि एक आयोग बना दिया गया अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए एक आयोग। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि अनुच्छेद 338 क के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लिए एक अलग से राष्ट्रीय आयोग बना दिया गया, तो अभी क्या है कि दो राष्ट्रीय आयोग हो गए, अनुसूचित जाति के लिए अलग और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग, पहले ये एक ही होता था आयोग और उससे पहले केवल एक अधिकारी होता था। अब क्या किया गया, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें किया गया कि बोडो मैथिली डोगरी और संथाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया और कुल इसमें विषय हैं, कुल भाषाएं हैं इसमें 22। अगला 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें क्या किया गया, इसमें यह किया गया कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट और एचसी यानी हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ये बड़ा अच्छा बनाया गया था, अभी हम जानते हैं कोलेजियम प्रक्रिया से जज जाते हैं, जज ही जज को चुनते हैं, ठीक है, ये प्रक्रिया भारत में और ये कितना महत्वपूर्ण पद है, तो ये लाया गया था लेकिन एससी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो है अवैध है, इसमें जो है विधायिका की कोई भूमिका नहीं होगी, हमारी स्वतंत्रता का ये हनन कर रहा है, ये जो आयोग के प्रावधान आपने किए हैं तो एससी द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर सरकार इस पे अड़ ही जाए कि नहीं हमको इसे पारित करना ही है, इसको लागू करना ही है, तो सरकार को क्या करना होगा ये बताइए। 100वां संविधान संशोधन 2015, तो ये रद्द हो गया है भैया, ये रद्द हो गया है, ठीक है, ये मौजूद नहीं है। 100वां संविधान संशोधन 2015, इसमें क्या किया गया, तो भारत एवं बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से ये जुड़ा हुआ है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसमें क्या किया गया, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम अनुच्छेद 248, 249, 250, 270, 271, 286, 366 आदि संशोधित हुए और ये भी वही वाला संशोधन है कि आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए जीएसटी के लिए, ठीक है, आधे, ये केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों से तो जुड़ा हुआ है, तो
तो इसके लिए तो आपको विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए, फिर आधे भारतीय राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये अधिनियम है। कोई भी बिल आता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक प्रक्रिया से जुड़ता प्रक्रिया है उसकी, वो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पेश होगा, फिर दोनों हाउसेस से उसे पास होना पड़ेगा, पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब जो है वो कानून बनेगा। अगर उस बिल को जो है राज्यों के अनुसमर्थन की जरूरत है, संघीय ढांचे से जुड़ा है, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है, तो राज्य विधानमंडलों में भी जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बिल एक्ट बन ही जाए, कई जो है नहीं पास होते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं ये वो है जो पारित हो गए हैं, अधिनियम के रूप में हैं। तो यहां पर इस तरीके से नंबरिंग है जो हम देख रहे हैं, लेकिन इसका विधेयक का नंबर, जो बिल का नंबर है वो अलग होगा और एक्ट का नंबर अलग होगा। तो अब जो है कम से कम आपको यहां पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूं कि यहां से तो आपको जो है एक्ट का नंबर भी याद रखना है, जैसा यहां पर मैंने लिखा हुआ है एक्ट का नंबर यहां से मिल जाएगा, और खुद से होमवर्क करके इसके बिल का नंबर भी पता करना होगा कि वो विधेयक किस नंबर का था। यहां से कम 99 से लेकर के 104 तक आपको जानना ही चाहिए, ठीक है। तो 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102 के माध्यम से। 103 2019 इसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 इसके द्वारा क्या किया गया, ये एकदम लेटेस्ट पास हुआ है। इसके द्वारा ये किया गया कि लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और बढ़ाया गया। तो इसमें से आप देखेंगे जो कुल 104 हम देख रहे हैं, इसमें से लगभग 7 संविधान संशोधन अधिनियम तो केवल और केवल इसलिए पारित हुए हैं 7 या 6 कि अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण देने के लिए, ठीक है। तो मूल जो संविधान हमारा रहा उसमें 10 वर्ष के लिए यह व्यवस्था की गई थी, और यह हुआ कि इसकी समीक्षा होगी, अगर जरूरत होगी तो आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं जरूरत होगी तो समाप्त कर दिया जाएगा, 10 वर्ष के लिए दिया गया। लेकिन ये एक ऐसा विषय बन गया है आरक्षण का भारत में कि ये ना छुआ जा सकने वाला विषय बन गया है किसी भी सरकार के लिए। तो होता क्या है कि जैसे ही इसकी अवधि पूरी होती है तुरंत 10 वर्ष के लिए इसे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कम से कम 6 बार ऐसा किया गया, अभी लेटेस्ट में ये किया गया क्योंकि 2020 तक ही ये, पिछले बार जब किया गया था तो 2020 के लिए ही वैलिड था, अभी कर दिया गया तो 2030 के लिए ये हो गया, 10 वर्ष के लिए फिर बढ़ गया, फिर जब 2030 आएगा तो फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा क्या किया गया कि संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को और राज्यों के विधानमंडलों में 1 लोगों को, कुल 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहां की एंग्लो इंडियंस को चुनते हैं राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति चुन करके संसद में लाता है 2 एंग्लो इंडियन। उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति के को ये समाधान हो जाए कि भारत के लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो 2। तो ये जरूरी नहीं है कि आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति चुनेगा ही चुनेगा, उसको यह समाधान होना चाहिए कि इनका प्रतिनिधित्व नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कई आंग्ल भारतीय सीधे चुनाव लड़ करके आ गए हैं लोकसभा में तो हो सकता है कि वो नहीं जो है किसी को अपॉइंट करे राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो एंग्लो इंडियन समुदाय को प्रदत्त आरक्षण था, यानी जो आर्टिकल 331 के माध्यम से लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन बुलाए जाते थे और अनुच्छेद 333 के माध्यम से राज्यपाल इलेक्ट करते थे विधानसभाओं में राज्यों की, कुल 14 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें ये प्रावधान लागू था, तो ये था 333 के माध्यम से, ठीक है, मतलब राज्य विधानसभा में। तो इन दोनों की प्रक्रिया को भी 10 वर्ष के लिए बढ़ाना था फिर से, लेकिन अभी सरकार ने कहा कि नहीं, ये समाप्त, अब ये प्रक्रियाएं नहीं चलेंगी, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है उसको समझ लीजिए। अब देखिए व्यवहारिक परिभाषा तो बहुत अलग अलग है, लेकिन जो संवैधानिक परिभाषा उसमें ये है कि
या तो किसी का पिता यूरोपीय या ब्रिटिश हो, या पिता का पिता यानी जो मेल पक्ष है ठीक है वो यूरोपीय, और माता का जो पक्ष है वो भारतीय, इस तरीके से। हालांकि इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, वो एंग्लो इंडियन। तो इस लेक्चर में जितने संविधान संशोधन अधिनियम रहे जो महत्वपूर्ण रहे उन्हें हमने देखा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।